हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कल किसानों द्वारा काले झंडे दिखाकर विरोध किया गया था, जिसके बाद 5 युवाओं को पुलिस द्वारा रात को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी रिहाई की मांग को लेकर किसान रात भर पुलिस थाने में डटे रहे। आज सुबह रोड जाम करने पर पुलिस ने करीब 80 के करीब किसानों को हिरासत में ले लिया था। SP कार्यालय के पास किसान यूनियन के आह्वान पर हजारों किसान जमा हो गए। काफी देर विरोध जताने के बाद किसान नेता और प्रशासनिक अधिकारी के बीच बातचीत की, फसल किसानों की रिहाई करने का फैसला लिया गया। बड़ी शांति प्रिय साइड में खड़े हो गए, अनिल विज को काले झंडे दिखाए थे और मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, उसी के एवज में हमारे किसान रात को उन्होंने 10-11 बजे उठाए और रात से सारी रात किसान हम वहीं बैठे रहे कि हमारे किसानों को छोड़ दो, नहीं माने। सवेरे हमने रोड जाम करा, तो रोड जाम करने के बाद हमें जबरदस्ती पुलिस ने खींच खींच के, पगड़ियाँ भी उतर की सबकी, नीचे कपड़े भी फट गए, बहुत आदमी कपड़े फट रहे हैं, इतने कपड़े फटे पड़े हैं, देख लो किसी का कमीज फट गया, किसी का पजामा, तो जबरदस्ती बसों में ढूंस कर, पर हमने कोई परवाह नहीं समझी, जैसे मर्जी कर लो, हम अपनी किसानी के लिए लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, पीछे हटने वाले नहीं। इस बिज्जू को तो असली बिज्जू बना के हटेंगे। हमें कोई जमानत नहीं मिली, ना हमने जमानत लेनी थी, जमानत के नाम पर तो हमने लेनी ही नहीं जमानत, तो चाहे 10 दिन अंदर रख ले, ऐसे ही छोड़ा गया है, जैसे ले आए थे वैसे छोड़ दिया। आपको बता दें कि कल रात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का अंबाला कैंट के शाहपुर गांव पहुंचने पर युवा किसानों द्वारा विरोध किया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा 5 युवाओं को गिरफ्तार किया गया। वहीं आज विरोधास्वरूप किसानों ने नेशनल हाईवे जाम किया, तो पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले किसानों को भी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद आज सुबह से ही किसान शंभू टोल प्लाजा पे इकट्ठे हो चुके थे, जिसके बाद किसानों ने SP कार्यालय कूच किया और विरोध किया। विरोध जताने के बाद किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में बातचीत हुई, जिसके बाद किसानों की रिहाई की गई और रिहा होने के बाद किसानों का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। गिरफ्तार किया गया था आपको? देखो, ये तानाशाही सरकार है, जो कल बीज अपने सापर गांव में गया था, जबकि हम किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से आह्वान करके है, कहीं भी कहीं जाएंगे हम का विरोध करेंगे, और कल ज़्यादा काले झंडे के साथ विरोध किया था, कोई गाड़ी नहीं तोड़ी, कुछ नहीं तोड़ी, और जो जो लड़के इन्होंने गिरफ्तार किए थे, ये लड़के वहाँ है भी नहीं थे, नवदीप और अमन सापर से, ये दोनों के दोनों लड़के वहाँ थे, इन्होंने जानबूझकर तानाशाही अपनाकर, जो चूँकि नवदीप एक ऐसा नेता किसान का जो जिसके ऊपर सारे सरकार को निगाह है, उसका कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर गिरफ्तार किया है, और आज सवेरे से हम कह रहे थे इनका कोई कसूर नहीं, इनको जल्दी छोड़ दो। उसके बाद हम किसानों ने रोड जाम किया, रोड जाम करने के हमारे साथ जबरदस्ती कई प्रशासन ने इतनी जबरदस्ती की, हमारे को गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, हम 80-90 किसान थे, अरेस्ट किया, और आज किसान एकता, किसान मजदूर एकता के कारण जो सारे देश के अंदर आज किसान मजदूर व्यापारी की जो एकता बनी हुई है, आज सरकार को दिख गया है। आज मैं सरकार को चाप के जल के माध्यम से बचाना चाहता हूँ, ये तीनों काले के हाथों वापस ले लो, या अपनी सरकार पूरी सुपड़ा साफ BJP का। किसानों का कहना है कि कुछ युवाओं ने गृह मंत्री अनिल विज का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया था, लेकिन पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार कर बेवजह उन्हें गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि जब तक किसान आंदोलन चलेगा, भाजपा नेताओं का ऐसे ही विरोध होता रहेगा। पंजाब केसरी TV के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।